अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ ये टोयोटा एल्टिस है 1.6। जैसे कि आप देख रहे हैं 1.6 के अंदर कस्टमर की कंप्लेन है कि चेक इंजन लाइट ऑन हो गई है एक हफ़्ते पहले से, और ये गाड़ी मैंने इसकी इग्निशन स्विच ऑन करके मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ये जो चेक इंजन लाइट है ये इसके अंदर कंटिन्यूसली ऑन है। इसमें स्कैनर लगाता हूँ, ये मैंने स्कैनर इसमें लगाया जिसमें हमें कोड मिला P101D AF सेंसर हीटर सर्किट परफॉर्मेंस Bank 1 Sensor 1 Stuck On। तो इसका मतलब Bank 1 Sensor 1 का मतलब होता है कि जो ऊपर वाला सेंसर है वो सेंसर 1 है, और नीचे वाला जिसे जो हम ऑक्सीजन सेंसर कहते हैं वो सेंसर 2 है। ये हम इसकी कंटिन्यूटी ले रहे हैं, AF सेंसर की कंटिन्यूटी लेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे हमारे पास वोल्ट कितने आ रहे हैं, और उसके साथ साथ हम इसकी कंटिन्यूटी भी लेंगे कि फ्यूज़ से कनेक्टर तक की कंटिन्यूटी वायरिंग हमारी ओके। और जैसा कि आपको पता है ये फ्यूज़ बॉक्स का कवर आप निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे 10 एम्पेयर का फ्यूज़ होगा, तो वो फ्यूज़ लाजमी आपने चेक करना है, उसका सारा ताल्लुक वोल्टेज से है। और ये फ्यूज़ भी हमने चेक कर लिए, फ्यूज़ ओके है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सेंसर भी हमने चेंज कर लिया था लेकिन प्रॉब्लम हमारी हल नहीं हुई थी। तो P10 का जो ये कोड है इसका, बेसिकली जो नीचे वाला सेंसर है वो सेंसर इसका कहीं गाड़ी लगी थी, रगड़ गया था, जिसकी वजह से वायरिंग शॉर्ट हो रही थी, उसकी वजह से वो आगे का कोड दे रहा था। तो आपके पास भी कभी इस तरह कोड आया तो आपने सिंपली इसका नीचे वाला जो सेंसर है उसको चेक करना अच्छी तरीके से। मैंने इसको टैप कर दिया है और इसको रिपेयर करके वापस लगा दिया है, अच्छी तरीके से आपने उसको चेक करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो गाड़ी की प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गई है। वो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।